मोहब्बतुल मासिया वजहरुहा, अल्लाहु अकबर, गुनाह की मोहब्बत। क्या बोल रहे हैं शेख? हां, गुनाहों की मोहब्बत और उसका ऐलान। कौन है, कितने हैं, निकालो ना इसमें से। अगर मैं सारे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े आलिम को भी बुला लूं इस आरटी नगर के अंदर, कितने नौजवान उन्हें देखने के लिए आएंगे। हां, उनकी जगह पर अगर मैं किसी फिल्म स्टार को बुला लूं, पुलिस की लाठियां खाकर, पुलिस के जूते खाकर यह नौजवान उसे देखने के लिए खड़ा रहेगा। मोहब्बत तो है, गुनहगारों की भी मोहब्बत है और गुनाह की भी मोहब्बत है। हां, उसकी तबलीग भी है। किसकी? बहुत अच्छा है फिल्म, तुम भी देखो जाकर। मैंने 4 बार देखा है, मैंने 40 बार देखा है जी। इधर उधर की क्यों बोलेंगे, जो हो रहा है वही ना बोलेंगे, जो चल रहा है वही ना बोलेंगे। गुनाहों की मोहब्बत, गानों से मोहब्बत, फिल्मों से मोहब्बत, हराम से मोहब्बत और उसका ऐलान। अगर यह पाया जाता है, उलमा ने कहा समझ लो तुम्हारा दिल बीमार है, तुम पर कोई बयान असर नहीं करेगा, तुम पर कुरान की आयतें असरअंदाज नहीं होंगी, तुम पर गज़ा के बच्चों की लाशें असरअंदाज नहीं होंगी, कोई वाकया, कोई हादिसा, घर में बाप मर जाए असर नहीं होगा, मां मर जाए असर नहीं होगा। हां, कोई कोई है 100 में 1 आध आदमी किसी हादिसे से असर लेते हैं, जिंदगी बदल लेते हैं। अल्लाहु अकबर, जिंदगी बदल लेते। अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बहुत बड़े मुहद्दिस चोर थे किसी जमाने में, एक घर से दूसरे घर पर छलांग मारकर जो है चोरियां किया करते थे। रात का अंधेरा है, तहज्जुद का वक्त है, चोरी करने के लिए पूरी टीम के साथ घर के ऊपर से छलांग लगा रहे हैं। एक आदमी घर में खड़े होकर सूरह हदीद की एक आयत पढ़ रहा है, वहीं खड़े हो गए, उसी जगह तौबा किया, जिंदगी बदल ली। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अभी वो टाइम नहीं आया है, अल्लाह कह रहा है, अभी वो वक्त नहीं आया है कि तुम अपने दिलों को अल्लाह के जिक्र के लिए, अंतक्षा कुलूबहुम, अपने दिलों को डरा लो, तौबा कर लो, अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ। कहते हैं फुदैल बिन अयाज रहिमहुल्लाह वहीं खड़े हो गए, कहा आज के बाद नहीं, वक्त आ चुका है। कोई एक हादिसा, कोई एक हादिसा, हमारी जिंदगी में हादिसात की बरसात है, अभी भी हादिसात हैं, अभी भी चल रहे हादिसात। क्या वो हादिसात ने हमारी जिंदगी में कोई असर डाला है? अल्लाह की कसम नहीं डाला है। हमारी जिंदगी वैसी चल रही है, 1% लोग होंगे 100 में जो बदले होंगे, वरना तो हां, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। हम दुनिया को नहीं बदल सकते मेरे भाइयों, वो ताकत हमारे अंदर नहीं है और अल्लाह हमसे वो सवाल भी नहीं करेगा। हां, अल्लाह ये जरूर पूछेगा, ये हालत को तूने देखा है, अपने आप को बदला क्या? सुभान अल्लाह, ये तीसरी चीज है।